दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसे पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे काफ़ी आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मौली फिश तैयार होती है बेबीज देने के लिए, तो वो किस तरह से दिखती है। थोड़ा सा क्लोज़र में आपको करके देखता हूँ। आप ध्यान रहें कि इसको बहुत ही सावधानी से पकड़ें और ज़्यादा आप इससे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये डैमेज भी हो सकती है ये। आराम से इसे होल्ड करें हाथ में, पानी में रखें, इसे ज़्यादा देर बाहर ना निकालें। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके स्क्वायर शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल, और पीछे साइड हल्का हल्का पेट के अंदर ब्लैकनेस भी आपको मिल जाएगी। अभी जब मैं इसको सेपरेट रख देता हूँ, जब इसके बेबी होंगे तो मैं उसका आपको अपडेट रहूँगा। वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए।